हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर कंफर्म कर दी चलूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपके साथ डॉल्फिन शो शेयर करूँगी, तो क्या हुआ ना कि वो बड़ी मुश्किल से उस वीडियो को मैंने एडिट किया और उसको वॉइस ओवर किया, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा यहाँ पर वॉइस ओवर करना चाहिए, और कहीं कहीं पर मैंने उसको ओरिजिनल वॉइस की साथ छोड़ दिया। बट फिर क्या हुआ पता है, जब मैंने उसको कल शाम में अपलोड किया ना, तो उस पर कॉपीराइट आ गया, तो मैंने डायरेक्टली ना उसको डिलीट किया। और डिलीट करने के बाद वापस से मैंने उसको सारी आवाज़ को म्यूट की, उसको वॉइस ओवर अगेन वॉइस ओवर किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से अपलोड किया तो वापस से कॉपीराइट आ गया। फिर मैंने टोटली आवाज़ को म्यूट करके फिर वापस से एक नया एडिट करके वापस से मैंने कल अपलोड किया। मतलब टोटली कल मैंने 4 बार वीडियो अपलोड की वो डॉल्फिन शो की, और चारों बार जो है ना कॉपीराइट आ गया। तो मैंने ना उसको डिलीट मारना ही ठीक समझा, तो मैंने वो वीडियो को डिलीट की। और फिर मैंने एक वीडियो और कल मैंने अपलोड की थी कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ डॉल्फिन शो वाली, बट बार बार कॉपीराइट आ रहा है, बार बार कॉपीराइट आ रहा है। तो आपको एक 10 से 15 मिनट में मेरी वो वीडियो मिलेगी, बट रात के 12:30 बज गए और वो वीडियो जो है ना मेरी नहीं मतलब अपलोड हुई। जितनी बार मैंने अपलोड की वो कॉपीराइट आ गया। तो फिर मैंने उसको सोच लिया कि अब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी एक छोटा 1 या 2 क्लिप मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूँगी, स्टोरी पर या ऐसे ही जैसे मुझे ठीक लगेगा, तो आप वहाँ से भी वॉच कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो शो था ना, तो जाने दो, कोई बात नहीं, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बट इंस्टाग्राम पर कोशिश करूँगी शेयर करने की, आप लोग वहाँ से वॉच कर लेना। तो फिर अगेन मैंने रात में आगे की वीडियो को एडिट की, बट वॉइस ओवर के लिए रह गया था। अब आज के दिन सुबह फ्राइडे, तो गाइज आप सबको जुम्मा मुबारक, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह सबसे पहला ये काम करती हूँ कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। देन आगे मुझे मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज फ्राइडे है, काम थोड़ा ज़्यादा है, और एक्चुअल में मेरे घर में आज थोड़ा काम ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब हम डॉल्फिन शो से बाहर निकले थे तो हम म्यूज़ियम की तरफ गए, मतलब हम ये देखने गए थे कि आगे और कौन सा शो है। तो यहाँ पर जब हम रिसेप्शन पे गए ना, तो उन्होंने कहा कि बस ऑलमोस्ट सारे शो ख़त्म होने वाले हैं और एक लास्ट शो चलेगा, वो अभी सिर्फ 5 मिनट का शो है, अगर आप चाहो तो उसकी टिकट बाय कर लो। नहीं, 5 मिनट का शो नहीं, उन्होंने कहा था 5 मिनट बाकी है, 5 से 10 मिनट शो ख़त्म होने में, आप चाहो तो उसकी टिकट बाय करके आप जाके देख सकते हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी ये टिकट का पैसा तो इसने पूरा ही लेना है, और फिर मैं आधा और एक हिस्सा शो क्यों देखूँ, तो फिर हमने अवॉइड किया। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि हम सुबह आते ना तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि सुबह आने से क्या होता ना कि ये म्यूज़ियम इतना बड़ा और इधर इतने सारे शो हैं कि हम सारे शो भी देख लेते और सारा म्यूज़ियम भी आराम से हम एक्सप्लोर कर लेते। बट कहते हैं ना कि जहाँ गलती होती है वहीं सुधार होता है, तो हमें पता चल गया ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि हम आखिरी बार नेहरू सेंटर गए थे। हम इंशाल्लाह वापस से विज़िट करेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह। अब वो कब विज़िट करेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि हम जल्दी नहीं जाने वाले हैं, बट हम कभी भी गए तो इंशाल्लाह आपकी हम सुबह में जाएंगे, और सुबह में जाने के बाद हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जब हम डॉल्फिन शो से निकले, हम रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे जाने के बाद हुरैन एकदम इरिटेट कर रही थी कि घर चलो घर चलो घर चलो, क्योंकि उसको भूख लगी थी। फिर हम कैफेटेरिया की तरफ गए कि मतलब यहाँ से हुरैन के लिए कुछ मतलब लेके उसको दे देते, वो खा लेगी। बट हुआ क्या, कैफेटेरिया में टोटल 5 से 6 डिशेस थी और वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी। सारे के सारे जो उसके प्राइस थे ना, वो 120 के ऊपर ही थे। तो जिस और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो अच्छा होगा, देखने से तो बस फ़ोटो तो अच्छी ही होती है ना। तो फिर हमने कुछ लिया नहीं, हम हुरैन को यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गए। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग का जोन है, इनकी एक्टिविटी का जोन है, तो यहाँ पर ना हम बच्चों को खेलते कूदते बहुत सारी चीज़ सिखा सकते हैं। और काफ़ी पेरेंट्स मतलब अपने अपने बच्चों को गाइड कर रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा था वहाँ पर
कि यहाँ पर ऐसा करने से ऐसा फील होगा, वैसा फील होगा, जैसे लाइक दम एक स्कूल में छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ना, टॉल एंड शॉर्ट, फैट एंड थिन, ये सारे हो गए, फिर उसके बाद हॉट एंड कोल्ड। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे वहाँ सामने से एक्सपीरियंस कर रहे थे कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है और ये छोटा है, ऐसा इस हिसाब से। और काफ़ी बहुत सारी एक्टिविटी थी, मतलब कैसा है, दिन हम लोग का टाइम कम पड़ गया बट हमारे जो एक्टिविटी थी ना वो ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पर एक प्लेट में फ्रूट्स रखा है और काफ़ी टेक्निक से हम देख रहे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट साइंस। यहाँ पर ये चिम्मुक वाला एक गेम है कि मतलब चिम्मुक कैसे पकड़ रहा है और कैसे चिम्मुक छोड़ रहा है। तो हुरेन के डैडी कह रहे थे तो उसने कहा कि मुझे भी करना है, मतलब हुरेन के अंदर भी ना लर्निंग करने की ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, खुद से आगे बढ़ बढ़ के। और जब तक हम नीचे थे ना कैफेटेरिया वाले एरिया में, तब तक हुरेन ने एकदम परेशान करके रखी थी कि घर चलो घर चलो, मुझे भूख लगी है, घर चलो। बट जब हम फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड और सेकंड से लेके थर्ड फ्लोर तक ना कम से कम हम लोग को 1.5 से 2 घंटा लगा है इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। बट हुरेन ने एक बार भी नहीं कहा कि मम्मा घर चलो या डैडी घर चलो। इनफैक्ट उसको लाने के लिए हम लोग को बड़ा जतन करना पड़ा था, वो निकलने को तैयार नहीं थी, उसकी इतनी सारी एक्टिविटी उसको वहीं पर मिल गई ना कि कभी वो ये कर रही है, कभी वो कर रही है। मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में ना उसकी एक मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी दिखाऊंगी आपको, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट वो एक्टिविटी पाकर नहीं है, वो वहाँ से हिलने को ही नहीं तैयार थी। और अभी ये इसके देखिए ये कांड लोग बाहर से देख रहे हो, ये डायरेक्टली अंदर ही चली गई और इसको मैं आवाज़ दे रही हूँ, हुरेन बाहर निकलो, हुरेन बाहर निकलो। तो ये बाहर आने को ही मतलब तैयार ही नहीं, जब मैंने इसको डांटा है तभी लड़की बाहर आई है। तो ये टच एंड लाइट, बहुत सारे यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मतलब गेम हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे खेलते खेलते सीख सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे भी जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट कहना बड़े बच्चे तो थोड़ा समझ जाते हैं एक बार में दो बार में, जो छोटे बच्चे ना उनको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो कैसा होता है ना कि जब वो बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ और रहती है। अभी जैसे कि ये चेयर है, इस चेयर पे एक जगह सॉफ्ट कॉर्नर है और एक जगह पे कांटे वाला कॉर्नर है, तो इसने कांटे वाले कॉर्नर पे बैठ के इसने फील किया कि मम्मा मैं इस पे नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैंने कहा उतर जा। और ये मैं जो है ना गोल गोल घुमा रही हूँ, इसमें ना 6 से 7 किस्म की ना लिक्विड है, सब अलग अलग फॉर्म की लिक्विड है, पेट्रोल है, सिरप है और विनीगर है, शुगर सॉस, शुगर सिरप है। तो अभी ये सब कुछ हिलाने के बाद ना ये सब कुछ अलग 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 अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और हुरेन भी बड़े उससे होके देख रही थी कि मम्मा ये क्या हो रहा है, ये तो जादू हो रहा है। तो मैंने कहा ये जादू हो रहा है, देखते रहो जादू, बड़ा अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ना ये पानी किस किस वेव में बहता है, वो जैसा वेव पाता है वो वैसा बहता है। तो यहाँ पर बच्चे लोग को ये चीज़ ये सिखाया जा रहा है, ये डायरेक्शन में सिखाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के टायर्स लगे हैं, बड़े से लेके छोटा टायर, छोटे से लेके बड़ा टायर, मतलब एक छोटे बच्चे की साइकिल होती है ना वो टायर से लेके एक बड़ा ट्रक होता है ना, बड़ा बड़ा जंबू एकदम वाला, वो ट्रक के टायर तक यहाँ पर लगे हुए हैं। और आई थिंक ट्रेन का भी टायर लगा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी छोटा टायर बड़ा टायर, मतलब काफ़ी अच्छी हर हर जगह पे ना बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक है। ये यहाँ पर हम स्मेल, जो हमारी सूंघने की जो बोलते हैं ना शक्ति, सूंघने की शक्ति वो कितनी काम करती है, और छोटे बच्चों के लिए कि हम सूंघते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, यहाँ पर वो है। ये टंग की, ये टंग की कौन सा एरिया कौन से स्वाद को ना एक्सप्लोर करता है वो बताया गया इसमें, कि सबसे आगे वाला सॉल्टी, फिर शुगर, ये सब अलग अलग हमारी ज़बान के हिस्से जहाँ से हमको स्वाद का पता चलता है। अब ये यहाँ पर हुरेन तो ये इनको लगा करंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस,
हुरैन को नहीं लग रहा है क्योंकि हुरैन का हाथ छोटा है और वो हाथ पे तीन डॉट लगा है ना उसके ऊपर ही करंट आ रहा है। तो मैंने इनको कहा एक बार और करके दिखाओ ना, तो ये मुझे बोलते हैं कि तुम करो, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। अब ये आगे जो है पूरा गार्डन टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है और आगे बटन्स भी लगी है। हम अगर गुआवा के बटन को दबाएंगे तो गुआवा कहाँ है वहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, हम जैक फ्रूट की बटन को दबाएंगे तो जैक फ्रूट कहाँ है वहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, एप्पल को दबाएंगे एप्पल की बटन को तो एप्पल यहाँ पर कहाँ है वहाँ पर एक लाइट शो होती है, मतलब वो सिग्नल देती है कि मैं यहाँ हूँ। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हुरैन ने, तो मतलब उसने जाने का नाम ही नहीं लिया वापस अभी तक, और फिर भी हमें फील हो रहा है कि हुरैन भूखी है, हुरैन को भूख लगी होगी। तो मगर अब क्या कर सकते हैं क्योंकि हमने भी यही सोचा कि ये बंद होने वाला है, एक्सप्लोर कर ले अच्छे से, क्योंकि बंद हो जाएगा तो फिर वैसे भी हम लेट पहुँचे थे ना। तो अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाने के लिए निकले, तो ये जो रास्ते में जो छोटी छोटी एक्टिविटी है ना तो इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये एक मिरर से ये कितने बड़े दिख रहे हैं और हुरैन देख देख के खुश हो रही है अपने डैडी को, इतना पागलों की तरह हंस रही थी कि मेरे डैडी इतने बड़े हो गए। फिर हम यहाँ से निकल के हम सेकेंड फ्लोर पर गए, तो यहाँ पर जो है ना पूरा साउंड एंड हियरिंग, हमारे सुनने की स्किल्स की, हम कैसे सुनते हैं, कौन सी आवाज़ हमें किस तरह से सुनाई देती है। तो यहाँ पर ना म्यूज़िक के बहुत सारे सामान थे, मतलब हर अलग अलग टाइप के। फिर यहाँ पर भी ना बहुत कुछ सुनने का मौका मिला, एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि कौन से जानवर की आवाज़ कैसी निकलती है वो हमें स्पेसिफिक सुनाई देती है। और फिर ये नीचे पियानो टाइप का है, बच्चे इसके ऊपर चढ़ के कूद रहे हैं, भाग रहे हैं और ये बज रहा है। फिर उसके बाद एक मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ किसने ईजाद की, किसने बनाई, तो वहाँ पर उस चीज़ के साथ उनके जो डिटेल्स है वो भी लगाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं ये लोग कैसा इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब काफ़ी बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा है। पुराने ज़माने के फ़ोन्स और म्यूज़िक के जो सामान थे जिसे रेडियो हो गया, आप देख सकते हो ये सब कुछ, तो यहाँ पर हर चीज़ रखी हुई है। तो ये मतलब बहुत अच्छा, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। हम यहाँ पर जो है ना अपना म्यूज़िक भी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग जोन बना हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छा था यहाँ पर ये ऑडिटोरियम है अपना फीडबैक देने के लिए। फिर उसके बाजू में ये जो है पूरा थोड़ा सा एक कमरे टाइप का बना हुआ है और ये है थिएटर साउंड एक्सप्लोर करने के एक्सपीरियंस। तो अगर आपने थिएटर साउंड एक्सप्लोर करना है तो आप अंदर जाएं और दरवाज़ा बंद कर लीजिए और अंदर चेयर भी लगी है, आप आराम से मतलब बैठ के वो कर सकते हो। यहाँ पर ये सब कुछ बटन के ज़रिए, बटन दबाओ और अपना म्यूज़िक क्रिएट करो अलग अलग। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप तबला बजा रहे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद ना गाइज हमें एक्सपीरियंस मतलब इस वीडियो के बाद अभी शायद दो वीडियो आए या शायद एक ही वीडियो में एंड हो जाए, मगर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद बचा क्या। अभी इसके बाद बचा है इलेक्ट्रॉनिक के जो मैकेनिकल के जो ईजाद है और उसके जो एक्सपेरिमेंट है वो सारे बचे हुए, और मिरर एक्सपीरियंस बचा हुआ है जो कि बहुत अच्छा, बहुत उसमें फ़न था, बहुत अच्छा लगा। हुरैन ने बहुत एंजॉय किया, हुरैन ने लास्ट थर्ड फ्लोर पे एक ही गेम एंजॉय किया और एक क्यूब गेम। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर पे हमने हुरैन को जो एक्सप्लोर करवाना था ना, तो उसमें क्या था, बहुत सारे गेम थे, हाँ मिरर थी, मिरर तो मिरर में भी ना हुरैन को बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत एक्टिविटी की। तो वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और देन मेरे चैनल पर अगर आप नए हो और अभी विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी काफ़ी गांधी जी के टाइम की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर,
उन और कपड़े भी जो मतलब उनके हाथ के बने हुए कपड़े हैं वो सब कुछ यहाँ पर भी मतलब बहुत अच्छी हिस्ट्री पूरा क्रिएट की गई है हर हर एक इंसान के बारे में। तो बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने कभी जाना है तो आपने फुर्सत में एक सुबह निकलिए, अपना टिफ़िन बनाइए और अपने बच्चों को अपनी फैमिली को लेकर निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन लगने वाला है। तो ये वो जो गांधी जी के टाइम पे जो कपड़े बनाए गए थे, ये वो कपड़ों के सैंपल्स हैं जिन्हें बड़ी ईमानदारी से और बड़ा संभाल के सोने की तरह रखा गया। और ऑब्वियसली ये किसी सोने चांदी से कम नहीं है, क्योंकि ये एक यादें हैं और यादें मतलब जल्दी जल्दी मिलती नहीं है कहीं पर। तो वो तो ऐसा म्यूज़ियम ही होता है ना कि हम ऐसे म्यूज़ियम में जाके ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा।